जब दुनिया भर के समाजों का अध्ययन किया जाता है तो भारतीय समाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुरुष प्रधान समाज है। तो क्या इस पुरुष प्रधान समाज से लड़कियों का भरोसा कुछ इस कदर उठ चुका है कि वो अब अपने जीवन साथी के रूप में किसी पुरुष को न चुनकर किसी लड़की को ही चुन रही है? ये सवाल भले ही किसी फिल्म की याद दिला रहा हो, लेकिन धर्म की नगरी काशी में इस अनोखे समलैंगिक शादी ने इस पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों की बढ़ती असुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तस्वीरों में दिख रही इन लड़कियों ने काशी के शिव मंदिर में एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ लिया। उन्होंने न केवल एक दूसरे को वरमाला पहनाई बल्कि सिंदूर लगाकर एक दूसरे को मंगलसूत्र भी पहनाया। हैरान करने वाली शादी में एक बात और सामने आई। लड़कियों ने मंदिर के लोगों को बताया कि अगर वो आपस में शादी कर लेंगी तो कम से कम उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। लड़कियां यहां पर आईं और हम लोग शादी में उधर देख रहे थे, हम लोग कहीं कि शादी करेंगे, हम लड़का कहाँ है, का लड़का नहीं, हम लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, हम दोनों मौसी मौसी के बहन हैं, लड़की हैं मौसी मौसी के, हाँ, और हम लोग साथ रहना चाहते हैं और शादी नहीं करना चाहते, हम लोग अपनी अपनी शादी करके अपने अपने अथवा से जियेंगे खाएँगे, साथ रहेंगे साथ मरेंगे, और कब वो सब शादी करके अपने से चली गई जयमाल डाल के, ये हम लोग पता है। हाँ कि कहीं बात ऐसा है कि शादी हो जाएगी तो हम दूर चलेंगे, ये दूर चले जाएंगे, हम लोग दोस्त हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। और ऐसी भी कुछ उन्होंने डर जाहिर किया कि उस पुरुष प्रधान समाज को उनको यकीन नहीं है या वो नहीं चाहते हैं, पसंद करते हैं बजाय नहीं, ऐसा है नहीं, वो कह रही थी कि अथवा हम लोग अगर शादीशुदा हो जाएंगे अपने में मांग में सिद्ध रहेगा तो कोई हम लोगों को रास्ते में छेड़ेगा नहीं। शादी करने वाले दोनों लड़कियां कौन थी और कहां की थी ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मंदिर के रजिस्टर में उनका ना तो कोई रिकॉर्ड दर्ज है न ही उनको मंदिर की ओर से कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हालांकि मंदिर के लोग इस शादी को वैध नहीं मान रहे, क्योंकि लड़कियों की तरफ से मंदिर में शादी की औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई और न ही उनकी तरफ से कोई परिजन सामने आया। मंदिर के लोगों का कहना है कि उन्होंने लड़कियों को शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। पुजारियों के लिए इस तरह की शादी काफी चौंकाने वाली थी। कि लड़की और लड़के का शादी दोनों का होता है, उसमें दोनों तरफ से जो है कुछ सगा संबंधी आते हैं, दोनों तरफ से दो एक एक गवाह है, दो दो गवाह रहते हैं, लड़की लड़का फोटो लगता है, आईडी लगता है उसका, इसके बाद जो है कि हमारे रजिस्टर में दर्ज होता है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब ये जो दोनों लड़कियां थी, इस नाते उसे कोई पूछने वाला नहीं था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कैसे क्या आई हैं, कैसे नहीं आई हैं। वे अपना जो है कि यहाँ पर आई शंकर जी के मंदिर में, अपना श्रृंगार की और इसके बाद जो है कि उस शंकर जी को साक्षी मानकर वो सिंदूर उसको पहनाई और उसकी आपस में सारी क्रिया करके उसके वो इसके बाद वो चली गई। हाँ मंग हाँ हाँ जब माल किया, माला पहना, सिंदूर बंदी किया। हाँ तो बाकी जो आगे की प्रक्रिया, गवाह की बात है, हाँ सर्टिफिकेट की बात है, हाँ, ये सब क्या उन्होंने पूरा किया? नहीं, ये सब कुछ पूरा नहीं किया वही सब। अच्छा, हाँ उसके बाद अब शंकर जी को साक्षी मानकर अपना सब सिंदूर बंदी करके मंदिर मंगलसूत्र पहन कर वे सब चली गई जो है। हाँ आप लोग की तरफ से कुछ जानकारी की गई कि क्यों ऐसा किया जा रहा है या आप लोग बगैर बाकी कोरम पूरा किए इस तरह कर रहे हैं? नहीं, हमारे क्या कोई उससे पूछा ही नहीं ना भाई। हाँ। उन लोगों से पूछा होता जो है, आपको अंदाजा नहीं था? हमको अंदाजा नहीं था, जो और लोग पूछने वाले नहीं थे कि कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, हाँ क्यों इस प्रकार से आप लोग आपस में शादी कर रही हैं, ये सब बात कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ पता चल पाया जैसा कि सुनने में आ रहा है वो पुरुषों से बड़ी नाराज थी ऐसा पता चल रहा है, इस वजह से इस तरह का उन्होंने फैसला किया, एक कुछ जानकारी है? अब भाई उनके अंदर जो जैसी भावना हो वैसा वो अपना कदम उठाई हैं। क्या भावना थी पता चला? ये भावना तो यही कि मतलब कि वे मनुष्य शादी नहीं करना चाह रही थी, हाँ, और आपस में अपना शादी की। ये कितना चौंकाने वाली घटना है, आप
ये तो भाई पूरा चौंकाने वाली घटना है कि दो लड़कियां आपस में शादी करके चली जा रही हैं और किसी से और किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। पुरुषों से क्यों नाराज़?